तो जैसे कहते हैं ना, अच्छा लगेगा, जैसे इससे आपका लुक भी अच्छा आ जाएगा एंड देन ऐसा लगेगा कि आप फॉरन देन आपने जो है अपने हेयर्स को ठीक कर लेना थोड़ा सा। हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम। सो मैं महेश, आज इस जो वीडियो होने वाली है स्टार्ट करते हैं। आज जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है हेयर स्टाइल्स पे। ऐसे हेयर स्टाइल मैं आज आपको बना के दिखाऊंगी जो आप कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, ऑफिस में एंड देन रेगुलर की जो आपकी रूटीन्स होती हैं उसमें आप बहुत आसान से घर में भी बना के रख सकते हो और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके, सबसे फर्स्ट वाला हम बनाएंगे वो होने वाला है ऐसे जैसे घर में रहने के लिए, ठीक है। तो हम घर में रहने के लिए बना लेते हैं। तो हम यहाँ से जो है, ठीक है, यहाँ से तो आपने देख सकते हो यहाँ से अपनी मांग को इस तरफ कर लेना, ठीक है। एंड देन अपना लेना, बहुत सिंपल होने वाला है, बहुत सिंपल सा एंड देन बहुत ईजी सा। ये देख सकते हो यहाँ से जो हमारे बाल है, पहले तो थोड़े से इसको कॉम कर लेंगे, ठीक है। अब देखना कहाँ से उठाना है इसको, हमने यूँ उठाना है, ठीक है। अपने बालों को इस तरीके से उठाना है, ये देख सकते हो इस तरीके से, बट इतनी उससे उठाना है, तमीज से उठाना है ताकि आपके जो बाल हेयर्स हैं वो ज़्यादा जैसे कहते हैं ना आपके कॉम में ना आ जाए, ठीक है। एंड आपने यहाँ से लेना है इसे और यहाँ से ये देख सकते हो इसको भी अंदर करना है अपने, ठीक है। ये देख सकते और इसको थोड़ा सा इसको आपने छोड़ना है और थोड़ा सा, और आपने एक पिन लेनी और आपने इसे यहाँ लगाना है, ठीक है। एंड आपने ये दूसरी पिन भी यहीं लगानी है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आपने कर देना है हल्का, ओके। एंड देन आपने जो है अपने हेयर्स को ठीक कर लेना है थोड़ा सा। यहाँ से जो है आपने थोड़ी सी लट शर्ट्स निकालनी है ताकि ये जो है ना बिल्कुल यानी यहाँ से जो ये उठा हुआ है इसे थोड़ा सा बैठा लेना है। एंड देन आपने अपने हेयर्स को कुछ ऐसे से रखना है, ये देख सकते हो, देख सकते हो। ये बहुत इजी सा घर में रहने के लिए, यानी घर में के लिए हिसाब से बेहतर है। आप घर में आराम से ऐसा बना के पफ छोटा सा रह सकते हो, जैसे कहते हैं ना अच्छा लगेगा, जैसे इससे आपका लुक भी अच्छा आ जाएगा एंड देन ऐसा लगेगा कि आप फॉर्मल में हो। अगर ज़्यादा बहुत ज़्यादा पिंस लगा लोगे, बहुत ज़्यादा कर लोगे तो बुरा लगेगा ना, तो बस इस तरीके का बनाओगे ना तो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अब चल, ओके, तो हमारा सेकेंड जो है वो स्टार्ट होते हैं, ठीक है। पहले आप अच्छे से कॉम कर लो, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ख़राब हो जाते हैं। या मैंने कॉम कर लिया, अब हम सेकेंड पे आए, जैसे कि हम यूनिवर्सिटी के लिए या स्कूल के लिए, वो आपको दिखाती हूँ। आपने जो है अपनी मांग, जो भी आपकी मांग है वो रखनी है, ठीक है। एंड देन आपने यहाँ से अपनी एक लट निकाल लेनी है, ठीक है, ऐसे। और इसको करना है अच्छे से, जैसे अगर अच्छे से इसको गोल 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 करना है, ट्विस्ट करना है। एंड देन आपने इसको यहाँ रखना है, ठीक है, ये देख सकते हो। एक हल्के से हाथ से लगाइएगा, ज़्यादा नहीं, देख सकते हो, बस यहाँ लगाना है। एंड देन आपने यहाँ से भी एक लट निकालनी है, इसको ट्विस्ट करना है, ये आपने ट्विस्ट यहाँ से कर लिया, ठीक है, ये देख सकते हो। और यहाँ हमने यहाँ से आपने देख सकते हो ये मेरा सेकेंड हेयर स्टाइल है, बहुत इजी सा, देख सकते हो, बहुत आसान सा। ये मैं इसलिए बना रही हूँ हल्के बिल्कुल, क्योंकि यार ऐसा होता है हम कॉलेज स्कूल में जाते हैं ना, अगर हम बहुत हैवी बना लेते हैं मिस जो है वो खुलवा देती है, मिस मैडम कहती है कि खोलो। तो ऐसे अगर आप बनाओगे ना, बस इस पर चुटिया कर लो, इस पर मैं आपको अगर चुटिया करके दिखा दूँ तो ये बहुत ही आसान सा, बहुत ही ईजी सा और बहुत ही प्यारा सा हेयर स्टाइल लगेगा, ठीक है। बना रही हूँ बट ये बहुत ही आसान सा, और ये देख सकते हो गिर भी रहा है आपका। अगर ज़्यादा जैसे कहते हैं मोटा फेस है तो इसको आप ऐसे डाल लोगे, हेयर्स डाल लोगे तो ये कवर भी हो जाता है, तो इस तरीके आप रख सकते हो। ये बहुत आसान सा है, ओके ओके। तो ये मेरा थ्री जो है, थ्री का नंबर का हेयर स्टाइल होने वाला है, जो होने वाला है जब ऑफिस के लिए आपको, जैसे कोई जॉब करती हैं लड़कियां या
ऑब्वियसली बात है जो वुमेन्स होती है उनके लिए मैं बनाने वाली हूँ, ठीक है, बहुत ही आसान होने वाला है लेना, ठीक है, इसमें काम आए। अच्छा तो आपने इस तरीके से अपने बाल लेने, ठीक है। एक्चुअली में क्या हुआ, मैं बिल्कुल कैमरे से ध्यान नहीं रही है, मेरे देख सकते हो ना, इस तरीके से अपने बाल उठाने हैं अपने, ताकि ये बिल्कुल भी आपका वो ना हो, यानी बुरा ना बने ना हेयर स्टाइल। इस तरीके से आपने लेना है, इसको आपने गोल घुमाना है, ठीक है, ट्विस्ट करना है, ट्विस्ट करके एक उंगली ऐसे रखनी है और इसको गोल घुमाते जाना है, ठीक है। मैं छोटा सा बना के दिखा रही हूँ आपको, इसमें ये बैंड लेना है, ठीक है, इसमें ये बैंड से ये उठ जाएगा, ठीक है, ये देख सकते हो बैंड से उड़ चुका है, और आप अपने बालों को ये देख सकते हो, यहाँ मेरा ये बिल्कुल जैसे कहते हैं, इसको हम थोड़ा सा कवर कर देंगे इससे लो, एंड देन अपनी इसको कर दो कवर, ये देख सकते हो। सी कितना अच्छा सा हेयर स्टाइल बना है मेरा, कितना सिंपल सा, कितना अच्छा सा हेयर स्टाइल मेरा बन के तैयार है। तो ये हमारा था, मैं ज़रा इसको हमारा था ये थ्री था, एंड देन बहुत इजीली है, आपको समझ आ गया होगा, बस यहाँ से पूरे बाल उठाने, ट्विस्ट करना है, यहाँ रखना है, गोल घुमाना है, एंड देन इसमें लगा देनी है एक छोटी सी पॉइंट, ताकि ये थोड़ी सी अच्छी लगे, उभरी भी लगे जैसे दिख रही है ना, ठीक है। एंड देन आपने बस ये करना है कि एक बाल पिन लगानी है, अगर आपके हेल्दी बहुत ज़्यादा बाल तो जरूरत नहीं होगी, इतने हेल्दी नहीं बाल देख सकते हो ना, कम कम बाल है, तो इसलिए मैंने किया, देख सकते हो अच्छा लग रहा है ना। अपने ये हमारा हो चुका है, हम जितने अपने फोर्थ पर इतना ईजी हेयर स्टाइल में सिखा रही हूँ कि आप लोग चाहो ना तो बहुत आसान से इसे कैरी कर सकते हो, और ये नहीं होगा कि बीच में आपका पफ खुल जाता है, बीच में कहीं स्कूल में हो, यूनिवर्सिटी में हो, कोई काम में हो, आपका चीज़ें बाल खुलने लगती हैं, गर्मियों में सर्दियों में ज़्यादा होते हैं क्योंकि आपके बाल ओढ़ रहे होते हैं ज़्यादा, ठीक है, तो अर्थ आ रहा होता है ना, ऑब्वियसली बात है। तो इस तरीके आप हेयर स्टाइल, इसको हम फोर्थ पर चलते हैं, लास्ट हमारे हेयर स्टाइल होने वाला है। ठीक है, आपने सारे बाल जो है वो इस तरफ ले लेने हैं, ठीक है, अच्छे से कॉम कर लेती हूँ, एक और बार सालों को इस तरफ कर देंगे मर्च, ठीक है, इस तरफ भी कर सकते हो या फिर आप इस तरफ भी डाल सकते हो, जो आप चाहो कर सकते हो। इसको आप बिल्कुल ढक लेना, ठीक है, अपनी जो मांग है ना बिल्कुल बंद कर लेना, ठीक है, ये बहुत ही आसान सा, ठीक है। अच्छा, इसके लिए आपको चाहिए होगा एक जो है वो बैंड चाहिए होगा, ठीक है, इसमें यूज होगा, इसको अच्छे से फोल्ड कर लेना, ठीक है, यहाँ से जो आ रही है अभी उसे रहने दें, हम कवर कर लेंगे इसे बाद में, पहले आपने ऐसे करना है, ठीक है, फिर आप इसको जो है वो यहाँ रखना है, ठीक है, आपने ले लेना है एक अदद कैचर, एंड देन अपने इसको जो है हल्के से तो इस तरीके से इसको जरा छोड़ते हैं, और यहाँ से मेरे ऑब्वियसली बात है मेरे बाल जो है ना वो थोड़े कम हैं, ठीक है, कम थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, नहीं मेरे बाल बहुत पतला बाल है मेरा, तो इसकी वजह से जो है वो मैं ऐसे शायद इनको ट्राई करती रहती हूँ, और देख सकते हो ये कितना सिंपल सा है, अगर आप चाहो तो इससे कैचर भी हटा सकते हो, ठीक है, सो कैचर हटा कर आप इसको ऐसे फोल्ड करो, ठीक है, और आप इसमें एक अलग पोम भी यूज़ कर सकते हो, मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया, आपको जो अच्छा लगे, आप जिसमें कंफर्टेबल फील करो उसको आप देख सकते हो। मैं इस कैचर में यहाँ रख देती हूँ, मैं इसको पोनी बना लेती हूँ, देख सकते हो, और इसको थोड़ा सा छोड़ दो, तो सी कितना आसान सा है, और यहाँ से थोड़ा सा से ये देख सकते हो, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है, ये देख सकते हो कितना आसान सा मैंने यहाँ फोल्ड फोल्ड करके, कितनी यानी स्वीट सी है, बहुत ही हल्की सी, और जैसे कहते हैं अपने बिल्कुल मुंह पे भी नहीं आ रहे बाल, यहाँ से थोड़ी सी आप चाहो, लड़कियों को काफ़ी पसंद होती है ऐसी, जैसे कहते हैं ना ऐसे हेयर स्टाइलिंग, तो आप ये भी कर सकते हो,
तो दैट्स इट, होप यू गाइस कि आपको अच्छा लगा, और ये मेरा लास्ट था, ठीक है। इसमें मतलब दो तीन पिक्चर्स ले लेते हैं, याहू याहू, ठीक है, इससे क्योंकि हेयर स्टाइल। तो होप यू गाइस कि आपको अच्छा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो आपने कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, एंड मुझे बताना है कि ऐसे हेयर स्टाइल आपके लिए और ना, मैं और भी बहुत सारी चीज़ें लाने वाली हूँ, कुछ हेयर ट्रीटमेंट्स होने वाले हैं, कुछ जैसे कहते हैं बहुत सारी कलेक्शन होने वाली है, तो बस आपने लाइक शेयर कमेंट करना है। सो अल्लाह हाफिज़, एंड डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।